कैसे आप सब, मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग। तो गाइस आज तो कमाल हो गया यार, मतलब मैंने ना चीनू को आईपैड प्रो का प्रॉमिस किया था, अगर चीनू अच्छे मार्क्स लाता है ना तो मैं उसको आईपैड प्रो दिलाऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे को ना डर था कि कहीं वो फेल वेल ना हो जाए। तो गाइस इसलिए मैंने उसको आईपैड प्रो का प्रॉमिस कर दिया ताकि वो नॉर्मल मार्क्स लिया है, और गाइस उसने तो कमाल ही कर दिया, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लिया है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चीनू को लेने, फाइनली हम निकल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए, आज सारे मामा के बच्चे वगैरह भी आ जाएंगे, तो चलो गाइस चलते हैं। अरे भैया जी बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मुझे यकीन नहीं था यार तू इतने अच्छे मार्क्स ले आएगा, आईपैड लेने के लिए चीटिंग करी है ना? नहीं। सो गाइस ये देखो भाई, चाचा ना मिठाई लेके बैठे हैं, मस्त गुलाब जामुन खिला रहे हो। चीनू के अच्छे मार्क्स आए हैं, इसने सुबह सुबह फोन किया मेरे पास, प्रॉमिस किया मैंने इसको कुछ, आपको नहीं बताऊंगा बाद में बताऊंगा। ऐसा बंदा जो डेट शीट भी किसी और से लिखवा रहा था उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। सो गाइस ये देखो भाई, चाचा प्यार कर रहे हैं चीनू को, यही खुशी हर बार चाहिए मेरे को, ये नहीं है कि तू आगे फिर कभी फिर वो जाए। तेरे साइकिल ले आऊंगा तो इंटरेस्ट पास कर लियो, साइकिल के लालच में से इंटरेस्ट भी पास कर लिया चाचा, मैंने इसको बहुत बड़ा लालच दे दिया इस बार। गाइस मैंने भाई प्रॉमिस करके फंस चुका हूं, अब जो मैंने प्रॉमिस किया है ना मेरे को पूरा ही करना पड़ेगा। ये देखो भाई चाचा ने इतने खुश हो रखे हैं, मिठाई लेके बैठे। सो गाइस चीनू के कपड़े ये रे, आराम से चीनू आराम से, चाचा बच के रहना, कोरोना वायरस फैल रखा है। अरे ये कहाँ पे आ रही है, तू भी चल रही है, आराम से जी की कोरोना वायरस फैल रखा है। सो गाइस ये देखो भाई, गाड़ी तो पूरी नहीं करवा ली चाचा ने, चाचा अपनी गाड़ी लेने आए थे। ठीक है चाचा भाई, ठीक है भाई भाई, ये छोरी भागी, वो चप्पल ये छोरी, नंगे पैर भागी धूप में, पैर नहीं चल रहे तेरे। यार आईपैड लेगा तू, पढ़ाई नहीं करेगा अगर तेरे को आईपैड दिला दिया तो। आपने मुझे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस पे टिके रहना। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ भाई आईपैड प्रो पूछने, देखते हैं भाई यहाँ पे है या नहीं है बहादुरगढ़ में, होगा तो ले आएंगे। सो गाइस अभी मैं शॉप पे गया था, फाइनली मैंने आईपैड प्रो बुक करा दिया है, और गाइस भाई कह रहे कि भाई एक घंटे में आ जाएगा, और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और सारा सामान वगैरह पैक करते हैं वैष्णो देवी का, इतने आईपैड भी आ जाएगा। अरे यार ये देखियो चाबी उसमें फंसी रहेगी, हाथ में आ गया यार, ये क्या है? तो गाइस ये देखो भाई चाबी का ना, ये हाथ में रह गया, हंस रहा है यार, ये क्या है? इतनी कमजोर चाबी थोड़ी होती है यार। गाइस मुझे लगता है पापा ने ये नहीं बनवाई है, ये तो निकलेगा भी नहीं यार। गाइस ये देखो दुनिया की सबसे छोटी चाबी, तो गाइस ये देखो इसने गाड़ी चाबी का ये भी निकाल दिया, ओ भाई से गाड़ी लॉक हो रही है, अनलॉक भी हो रही है। जो जो सो गाइस जो जो नहाया है, ओ भाई इसमें क्या हो गया, नहाने के बाद बहुत एनर्जी आती है इसमें, ओ भाई नहाने के बाद क्या हो गया इसके, ओ भाई कैसे कर रहा था पापा जी, ये देखो क्या हो गया, ठीक क्या हो गया भाई, गाड़ी से चाबी निकाली, ये रहेगी चाबी के अंदर, देख लो बड़ी मुश्किलों से निकाली है ये मैंने, मुश्किल चलेगी ये, सारी जोड़ने के बाद ही चल पाएगी। ओ सो गाइस ये देखो भाई रिया ने जोजो की कैसी चोटी बना दी, जोजो तो गाइस हमने भाई 6-7 दिन जोजो को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, जोजो को शिट्टू रखेगा 6-7 दिन, इसको लेके नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो गाइस फाइनली हमारी पैकिंग तो हो चुकी है, क्या ये भाई ये तो आईपैड को भूल ही नहीं पा रहा। तो गाइस अभी मेरे पास भाई का कॉल आया, कह रहे आईपैड प्रो आ गया है, सुन की तेरे को आराम से ओ आगे भी आईपैड, ओ भाई इतना मस्त लग रहा है ना, रुक जा भाई गिरा देगा आप कर दो ये। तो गाइस ये देखो भाई यहीं पे अनबॉक्सिंग करने लग गया ये, भाई मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ देखने के लिए, ओ भाई इतना मस्त लग रहा है ना, कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है इसका, फाइनली ले। तो गाइस चीनू को आईपैड प्रो तो दिला दिया है, अभी ना चाचा और चाची का रिएक्शन देखेंगे क्या रिएक्शन होगा, मस्त होगा। ओ भाई आज बच गया तू, देख आईपैड दिला दे चीनू को, एप्पल का मिल गया। चाचा का रिएक्शन क्या होगा देख के, एक बार तो गुस्सा करेंगे इसके, ये बोलेंगे पेपर हो जाते फिर दिलाता दोबारा। तो गाइस मेरे को भी यही लग रहा है चाचा ना बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। तो गाइस देखते भाई चाचा का क्या रिएक्शन हो, आराम से चलो ए कोरोना वायरस है। ये देखो भाई चीनू को आईपैड दिला दिया, ऐसे मत कर, क्या कर रहे हो चाचा? सो गाइस चीकी तो सो रही है चाचा के साथ में, ये देखो चाचा इसको क्या दिला दिला, वो चीकी भी उठ गई, दिला तो लाया पटेगा लेकर, पढ़ाई नहीं करेगा छुट्टी पड़ी है, होमवर्क करता है अपना स्कूल का, पापा मेरा ये मतलब आगे खराब हो जाएगा, इसको नहीं देना, नहीं पड़ेगा तो मैंने पहले बता दिया तो, अब बढ़िया नंबर लाएगा ना, ठीक है मैं नहीं देना इसको, नहीं देना बिल्कुल, दे दो चाचा इसको, दिखा मैं तोड़ दूंगा, तोड़ दोगे? ले भाई चाचा कह रहे हैं तोड़ देंगे। तो भाई चाचा मेरे को बाहर लेके आया है, रूस गया चाचा, ये तो चिकी मना रही है उसको, तो मेरे से बिना पूछे क्यों लेना होता, मेरे को लगा आईपैड काम आएगा इसके, छोटी मोटी चीज होती ना कोई और चीज होती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, पहले कमजोर था ना पढ़ाई में, बड़ी मुश्किल से थोड़ा ठीक हुआ, और ये देने के बाद तो और भी दिक्कत हो जाएगी, खुद अपने से अंदाजा लगा ले तेरे पास तू इस पर ज्यादा टाइम देगा, नई चीज का शौक सब होता है, और उसके लिए तो बहुत दूसरे हिसाब की गेम में और पता नहीं क्या खेल लगा, फायदा नहीं है इसलिए इसको देना नहीं है, कंटिन्यू ठीक हो जाएगा ना ये, फिर वैसे दिला चाचा इसका मैं क्या करूँ, फेंक दूँ, रिया कौन सा कोर्स करेगी, रिया आर्किटेक्ट का
यूज करेगी। बहुत बेस्ट है, यू हर 3D डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं इसमें। तो ये रिया को दे दे फिर। रिया को दे दूं? बिल्कुल दे दे। तो मेरे को बुरा लग रहा है, बेचारा बुरा मान गया। कोई बात ना, मानने तो बच्चा होता है, उसके मानेंगे तो पढ़ लिया वो। चिक्की क्या करे यार, चीनी के लिए कैसे कह रहे कि आप भाई को लैपटॉप क्यों नहीं दिला रहे पापा? वो हाँ भर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा। आपने बात करी है क्या? बोला काम। ओ भाई ये सिफारिश लेके आइए, ये चीनू आजा घर पे चलेंगे। चल चलो ठीक है जा भाई, घड़ी ले ली। गुम करेगा, गुम कर देगा। तो पता है ना मैंने इसका कोरोना वायरस था, इसने फैला रखा। बाय चिकी बाय। सो गाइस चाचा ने तो मेरे को डांट दिया है, कह रहे बिना पूछे लिया आया, मतलब इसको दे दिया ना, पढ़ाई नहीं करेगा, बहुत ज्यादा छोटा है ये। चाचा ने साफ मना कर दिया, इसको नहीं देगा। गिफ्ट रैप करवा ले जाना दीदी के लिए। हाँ गिफ्ट रैप करवा लेते, सही आइडिया है गाइस। वैसे चीनू के लिए मेरे को बुरा लग रहा है। ले पकड़ अपना आईपैड। पीछे क्यों रख रहा है? अरे बुरा मान गया यार, मैं तेरे लिए तो लाया था चीनू। मेरे किस काम में? मेरे भी काम का। ओ भाई आगे नहीं निकलने दे रहा ये। वो कैसे चला रही है? ओ भाई कैसे चला रही है? ओ भाई खाला बच गया भाई। ओ भाई ओ। सो गाइस आईपैड प्रो गिफ्ट में रैप करवा लिया है। ओ आगे सभी गाइस, वैसे तो सभी मामा के बच्चे आ चुके हैं, बाकी 3 रह गए हैं। ले रिया तेरे लिए मस्त गिफ्ट है, बताओ भाई क्या हो सकता है? पहले तू बता, आईपैड हो सकता है? मम्मी आप बताओ क्या पाएगा? ड्रेस। तो गाइस सभी के मन में एक्साइटमेंट है, ये चीज चीनू से छिन के जा रही है तेरे पास। ये गिफ्ट ना पहले चीनू के लिए लाए थे, चाचा ने इसको डांट मारी। तो गाइस एक चीज करेंगे, मतलब गिफ्ट तो रिया को देंगे ठीक है, पर चीनू का भी रहेगा। तो गाइस रिया को तो मैंने दे दिया है। तो गाइस ये ना दोनों यूज करेंगे, चीनू थोड़ा कम यूज करेगा क्योंकि भाई पढ़ाई कम करता है। तो गाइस यहां पे ना भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है, चीनू और रिया ना लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि किसका है। तो गाइस तुम कमेंट करके बताने कि भाई क्या करना चाहिए। वैसे तो गाइस चीनू का था, पर चाचा ने साफ मना कर दिया। ये क्या हो गया भाई? भाई अच्छा रो मत, अच्छा तेरा है ठीक है। अच्छा चीनू रो मत, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है तू चिकी जैसा ही एक्टिंग करते में। चीनू रो मत भाई, यार आंसू नहीं निकल रहे। क्या कह रही है? निकाल दिए। फिलहाल हम सब जा रहे हैं वैष्णो देवी, बाहर बस भी आ चुकी है, तो चलो गाइस चलते हैं। यार फोन तोड़ने पे लगे हुए यार। सो गाइस बाहर बस आ चुकी है, चलो 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 तो चल रहे हैं। चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस अभी 10 बजने वाले हैं, अभी हम सब खाना खा रहे हैं, काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। आज खाने में आलू के परांठे एकता बना के लाइए घर से। सो गाइस ये देखो भाई गाड़ी का तो क्लब बना दिया, ये डीजे हमारा। सो गाइस हमारे हाथ में ना खजाना लगा है। ओ भाई गाइस ये सब लगे हैं पार्टी में और इनका खजाना खा लेते हैं हम। तो गाइस अभी रात के 3:30 बजे से ऊपर टाइम हो गया है और अभी भी गाइस मैं एडिटिंग में लगा हुआ था। बस में एडिटिंग करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिलहाल हम आधे रास्ते आ गए हैं गाइस, पूरी बस में ना मैं और यश जगे हुए थे, चीनू ने तो अपनी नींद भी पूरी कर ली। अभी फिलहाल गाइस मैं अपनी एडिटिंग पूरी करूंगा, एडिटिंग पूरी करने के बाद मैं और यश आराम से बस में सो जाएंगे और मस्त आराम से उठेंगे जब वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ना हमसे सीधा वैष्णो देवी में मिलेंगे। फिलहाल गाइस ये देखो भाई कितना मस्त पेड़ है, कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता। ओए पत्थर नहीं मारना, छोटी बच्ची हो क्या? बहुत बड़ा क्यों? बरसात मिल जाएगा। सो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूं बस में, बस भी स्टार्ट हो चुकी है। गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।